The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपके अंदर भी minerals की, vitamins की कमी है, क्योंकि क्या होता है कि body के अंदर ऐसा नहीं है कि एक चीज है, ये चीज जैसे नेल्स हैं, बाल है या कोई लिवर फंक्शन है, वो एक विटामिन करेगा सिर्फ, बाकी सारे कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं. मल्टी फैक्टोरल इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर. मल्टी फैक्टोरल इफेक्ट मतलब एक विटामिन मल्टीपल जगह काम कर सकता है, दूसरा भी उसके साथ हेल्प कर सकता है, तीसरा भी हेल्प कर सकता है. इसीलिए पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ यही वाली कमी है, वही वाली कमी है बिना टेस्ट के. लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि कुछ तो कमी है. कुछ तो कमी है बताने के लिए आपको कुछ साइंस देख सकते हैं आप, कॉमन साइंस जो बताते हैं आपके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या विटामिन्स की भी कमी हो सकती है, बिकॉज विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही, एक साथ ही काम करते हैं. सो दोनों की कमी हो सकती है जो आपको समझना हो. सो नंबर वन चीज जो आपको सिम्टम या दिक्कत बताती है, जी हाँ, वो है आपके एक्सेसरी चीजें, जी बेजान चीजें. आपके शरीर में बेजान कौन सी चीज है बताओ? आपके शरीर में बेजान चीजें हैं आपके बाल जिसको काटने पर दर्द नहीं होता, आपका नेल जिनको काटने पर दर्द नहीं होता, और आपके स्किन की आउटर लेयर. जी हाँ, तो ये आउटर लेयर बेजान होती है और हेयर और नेल. सो जब हेयर, जब भी किसी विटामिन या न्यूट्रिशन ओवरऑल होता, कमी होती है तो मल्टीपल चीज़ों की होती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ कम है मेरे में, मुश्किल होता है ऐसा. सो विटामिन डी, B12 ये ज़्यादातर होते हैं, लेकिन बाकी भी होते हैं, जिंक कमी, आयरन की कमी, थोड़ा आयरन कम है, ऐसा है, वैसा है, बॉर्डर पे है. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें बायोटिन कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिखने लग जाते हैं सिम्टम्स. पहला सिम्टम जो दिखता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल और नेल्स में. बाल और नेल ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब ऐसे करोगे टक से टूट जाएंगे, बाल ऐसे करोगे टूट जाएंगे. ब्रिटल का मतलब ये है, ब्रिटल का मतलब ऐसे टूट जाएंगे, बड़े खींचने से तो टूटेंगे ही एक लेवल पे, लेकिन ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाएंगे और वो बहुत रूखे रूखे दिखेंगे. नेल्स भी ऑब्वियसली यू डोंट सी द क्वालिटी इन दैट. जब आपको दिखेगा कि बाल और नेल सही क्वालिटी के नहीं है, नंबर वन साइन है ये कि आपके अंदर कोई ना कोई अच्छी खासी डेफिशिएंसी है. नंबर वन विटामिन उसमें है B7. B7 इज बेसिकली बायोटिन. बायोटिन इज नंबर वन जिसमें पाया जाता है कि बहुत सारी कमी है, और बायोटिन से ब्रिटल हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, नेल्स प्रॉब्लम, इवन थकावट, फटीग, मसल पेन, क्रैम्स, टिंगलिंग, ये सब पाया गया है. बायोटिन बहुत कॉमनली डेफिशिएंसी देखा गया, लेकिन एक पर्टिकुलर मल्टीविटामिन जिसमें बायोटिन है उतना काफी हो जाता है. सो बायोटिन इज वन दैट वन थिंग. किस किस फूड में बायोटिन मिलेगा आपको? एग योक, मीट, फिश, डेरी, स्पिनच, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, होल ग्रेन्स, बनानास, इनमें मिल जाएगा बायोटिन. बट देन बायोटिन एक अलग चीज. तो हेयर एंड नेल्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद जो सेकेंड साइन आता है वो है मुंह के अंदर. कई लोगों को मुंह के अंदर छाले बहुत आसानी से हो जाते हैं, यहाँ पे कोने में मुंह के क्रैक्स आ जाते हैं. दीज क्रैक्स, ये छाले भी एक इंडिकेशन है कि बॉडी में डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसीज मिल रही है. अगर बार बार हो रहे हैं क्रैक सोर्स और ये, तो बी विटामिन्स या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और आपको अपना चेकअप कराना चाहिए. विटामिन बी प्रोफाइल और आयरन पूरा का पूरा करा के देख सकते हैं, जिसमें कई बार B6, कई बार B1, कई बार B2. B1 यानी थायमिन की कमी होती है, कभी राइबोफ्लेविन, कभी पाइरिडॉक्सिन, कभी B12 की भी होती है. सो दैट इज ऑल ऑफ द थिंग्स जो मुंह के अंदर हमें मिल सकती है. तो अगर ये सब ज्यादा खाना है तो थोड़ा सा नॉनवेज खाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूध पीना पड़ेगा, थोड़ा सा नट्स खाने पड़ेंगे, थोड़े से सीड्स खाने पड़ेंगे, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जिनमें ज्यादा पाया जाता है और मुंह के अंदर दिखता है. अगर गम्स यानी मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर गम्स ब्लीड कर रहे हैं, तो वो भी एक साइन है विटामिन सी डेफिशिएंसी का. विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हेल्थ, इम्यूनिटी, वूंड हीलिंग, एंटीऑक्सीडेंट, सेल डैमेज प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, और विटामिन सी नहीं होता है तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं. रिमेंबर दीज पॉइंट, ब्लीडिंग गम्स के, विटामिन सी के लिए. ऑब्वियसली यू नो विटामिन सी कहां से मिलता है. अगर विटामिन सी नहीं होगा तो स्किन भी खराब होगी, ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके वुंड हीलिंग स्लो हो सकती है, बड़ी आसानी से आपको ब्रूजिंग हो जाएगी.
सो आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत है, सिट्रस फ्रूट आपको पता ही है राइट, नींबू ऑरेंज नारंगी तारंगी सारे के सारे आपके पड़े हुए हैं राइट, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट यू नो ऑल द फ्रूट्स हैव सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी ऑब्वियसली राइट. सो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो विटामिन सी अच्छे से मिल जाएगा. फोर्थ साइन जो आपको देखेंगे वो आपके आंखों में आता है. जी हाँ, आंखों में विजन प्रॉब्लम, कभी कभी रात को सही से नहीं दिखना, ब्लरिंग होना, धुंधलापन आना, ये सब हो सकता है विटामिन ए और की वजह से, इवन डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्राई आई की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है और ड्राइनेस भी आ सकता है आंखों में, ज़ेरोप्थाल्मिया जिसको कहते हैं, व्हाइट स्पॉट्स, बिटर स्पॉट्स जैसे बहुत सारी आंखों की बीमारी हैं जो हो सकती हैं. सो रिमेंबर, विटामिन ए कहाँ मिलता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है आपको, तो विटामिन ए आपको मिलेगा बहुत ज़रूरी मीट, ऑर्गन मीट, डेयरी, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और येलो ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स यानी गाजर में. जी हाँ, येलो ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स में मिलेगा. कलर 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 इंपॉर्टेंट है इसमें, विटामिन ए कलर में होता है और नॉन वेज में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है. ओके, और ये नहीं होगा तो बोन में भी प्रॉब्लम आएगी, सर में भी दर्द होगा, उल्टी भी आ सकती है, दिक्कत भी आ सकती है. लेकिन हाँ, टॉक्सिसिटी से भी ये सब हो सकता है, बोन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. टॉक्सिसिटी लिवर के लिए भी खराब होती है, तो इसीलिए विटामिन ए की टैबलेट्स या रेटिनॉल्स के सप्लीमेंट जब स्किन के लिए लिए जाते हैं तो पहले ये टेस्ट किए जाते हैं. फिर अगला साइन जो है विटामिन डेफिशिएंसी का सॉरी वो है डैंड्रफ. जी हाँ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, पैचेस, कभी कभी स्केल्स आपके अगर इधर आ रहे हैं तो दैट जस्ट मीन्स कि आपके अंदर अगेन ऑब्वियसली देर आर डेफिशिएंसीज जो बॉडी के अंदर है. कभी कभी आर्मपिट्स में, कभी गोइन में, कभी चेस्ट में, कभी कहीं कहीं भी आ सकते हैं. और ये प्रॉब्लम अगेन बहुत कॉमनली देखी जाती है जब एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है. पर बहुत सारे फैक्टर है इसमें, कोई एक विटामिन न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक ग्रुप है जैसे कि जिंक, नियासिन यानी विटामिन B3, राइबोफ्लाविन B2, पायरिडॉक्सिन B6, ये सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं. और जनरल पुअर न्यूट्रिशन का मतलब होता है, का नतीजा होता है इस तरीके की चीज़ें. और अच्छा न्यूट्रिशन कर लेंगे तो इससे आप निजात भी पा सकते हैं, याद रखिए. एंड फूड्स दोज आर रिच इन नियासिन, राइबोफ्लाविन, पायरिडॉक्सिन आर बेसिकली होल ग्रेन्स, पोल्ट्री, मीट, फिश, एग्स, डेयरी, ऑर्गन मीट, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, आपके नट्स, सीड्स. तो सारे बैलेंस डाइट की बात हो रही है यहाँ पे भैया, बैलेंस डाइट. जी हाँ, फिश में भी होता है, इसमें भी होता है. जिंक हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, जिंक होता है नट्स में, होल ग्रेन्स में, डेयरी, लेग्यूम्स, मीट, फिश, इन सब में होता है. सो यू नीड दैट. छठा साइन है अगर आप हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, घपा घप हेयर लॉस हो रहा है. नंबर वन तो यही सबका रीज़न होता है कि सर मेरा हेयर लॉस हो रहा है. हेयर लॉस किस किस से होता है? आयरन डेफिशिएंसी. आयरन क्यों? आयरन डीएनए सिंथेसिस, भाई डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगा फॉलिकल में तो फॉलिकल बनेंगे कहाँ से? तो हेयर लॉस होगा. तो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ हेयर. जिंक इज इंपॉर्टेंट, जिंक नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, इन सब में इंपॉर्टेंट होता है. जिंक डेफिशिएंसी भी हेयर लॉस करेगी. देन LA, लिनोलिनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिनिक एसिड, दीज आर असेंशियल फैटी एसिड्स, वो भी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. नियासिन B3 इंपॉर्टेंट है, बायोटीन B7 इंपॉर्टेंट है. बायोटीन चाहिए होता है, नहीं तो बायोटीन से तो देखा गया है हेयर लॉस होता ही होता है, हेयर थिन ब्रिटल, टूट टूट के बाहर गिर जाते हैं. नियासिन जरूरी होता है हेल्दी हेयर रखने के लिए, एलोपेशिया अवॉइड करने के लिए. तो ये सब के लिए आपको थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में, दालों में भी पाए जाते हैं, तो दाल खाने से भी मिल जाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से भी मिल जाएंगे, नट्स, सीड्स खाने से मिल जाएंगे. तो इसीलिए इन सबको इंक्लूड करें राइट. जिंक के लिए, आयरन के लिए इट्स वेरी वेरी गुड राइट. नियासिन, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब बहुत अच्छे हैं. तो ये हुए साइंस दोस्तों. उसके बाद भी अगर और साइंस ढूंढेंगे तो स्किन के ऊपर साइंस मिल जाएंगे. स्किन के ऊपर अगर आपको लाल रंग के, सफ़ेद रंग के बम्प्स देखते जा रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि कभी कभी लगता है कि ये गूज बम्प जैसे बम्प है, कभी कभी लगता है ऐसे डॉट डॉट्स हैं, कभी लगता है आर्म्स में है, थाइज में है, ये क्या है राइट. कभी कभी दीज आर लाइक केराटोसिस पिलारिस. सो दिस इज अ कंडीशन. तो ये भी डेफिशिएंसीज के वजह से होती है, ऑल्दो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर न्यूट्रिशन के वजह से हो जाती है. और
ये आपको ठीक करने के लिए मल्टीपल चीज़ें खाने को, कि इसमें रोल पाया जाता है विटामिन ए सी और ए सी का, और मल्टीपल जो हमने बताया इतने सारे विटामिन उनका भी थोड़ा थोड़ा रोल है। तो आपको इसमें भी एक होल ऑरेंज ऑरेंज येलो कलर के, जो येलो ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाने हैं। डार्क ग्रीफिली वेजिटेबल्स खाना है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश, एग, मीट या दूध तो कम से कम पीने की कोशिश करिए, दूध में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो दिस इज देयर। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम। कोई कोई होता है जो हिलाता रहता है, रेस्टलेस लेग, लेग हिलाते जाते हिलाते जाते हिलाते जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम, दिस इज एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव योर लेग। ये भी बहुत जोरदार, पता इतने जोर से नहीं होता, धीरे धीरे होता है एकदम। सो दैट इज ऑल्सो सीन बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसीज लाइक आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसीज देखा गया है, उसके ऊपर कॉज और भी सारे रीजंस हैं, और उसके लिए आप आयरन रिच विटामिन सी भी एक रीज़न है, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं उसके लिए। वेजिटेबल्स जो नहीं खाते उनमें ज़्यादा देखा गया है, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कभी कभी मैंगनीज सॉरी आयरन कास्ट का तवा ले सकते हो, उसमें रोटी बनाओगे, उसमें खाना बनाओगे तो उससे आयरन मिल जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग। और लो आयरन लेवल इज़ नंबर वन थिंग फॉर रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम। बाकी थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और भी होते हैं दुनिया में। तो ये हुई सारे साइंस जो आपको पता होने चाहिए भाई। इतने सारे साइंस हैं, कोई ना कोई आपके अंदर अगर है, जाके अपना विटामिन प्रोफाइल कराइए, पूरे विटामिन्स का चेकअप करा लो। कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे पता है मुझे, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी हेल्थियर, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। आप हेल्दी रहोगे तो आप काम कर पाओगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कैसे काम करोगे, है कि नहीं? तो आप कैसे पैसे कमाओगे, कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे पहले आओगे फर्स्ट नंबर पे, वट एवर इट इज। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ विटामिन साइंस, मिनरल डेफिशिएंसी साइंस फॉर यू टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी राइट नाउ, एंड मेक श्योर टू बी फर्स्ट, ट्राई टू बी फर्स्ट, बिकॉज बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। और मेक श्योर टू कीप लाइकिंग ऑल आर वीडियो, सब वीडियोज को लाइक करना है, देखो मत देखो लाइक करो, बिकॉज इट नीड्स टू बी शेयर्ड। इसको लोगों को दिखाना है, लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।